वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो प्रभु सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए हैं ड्रीम ऑडियो चंदू भैया के पास। आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2023 किया कैरेंस। क्या बात है भाई, कैरेंस कहाँ से चांद निकला है आज? सामने से चांद निकला। मतलब इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद किया कैरेंस एक आपके पास आई गई ऑडियो सेटअप के लिए। ऑडियो सेटअप के लिए काम तो हम काफ़ी किए हैं, लेकिन हमारे जब भी हमारे पास किया कैरेंस आए तो आप मतलब कि कभी दिल्ली से बाहर तो कभी कहीं और हम वीडियो नहीं बनाए। मतलब किया कैरेंस पहले भी 2-4 महीने तैयार करी हुई है। ओके, और आज मैंने आपको फ़ोन किया तो अभी मतलब टाइम पर मेरे चैनल पर पहली है किया कैरेंस, वो भी ऑडियो सेटअप के लिए। बिल्कुल ठीक है। और बाकी भाई इतना सारा सेटअप लग रहा है इसके अंदर, एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या क्या लग रहा है अभी तक इसके अंदर। मतलब ऑडियो कर रहे हैं और साउंड प्रूफिंग कर रहे हैं। ओके, जो हमने डैम्पिंग भी करी है, चारों डोर करी है, डिक्की करी है, जो प्लास्टिक दरवाजे तो उसको भी करी है जी। मतलब काफी मतलब अच्छे काम कर रहे हैं। ओके, तो ये आज हम एक्टिव ने पैसिव सेटअप कर रहे हैं और एसक्यू सेटअप कर रहे हैं। एक बार बताओगे पैसिव क्या होता है और एक्टिव क्या होता है? पैसिव एक्टिव ये होता है कि जैसे इसके अंदर आज क्रॉस ओवर लगाएंगे, जो स्पीकर साथ हैं हम क्रॉस ओवर लगाएंगे। एक्टिव में क्या होता है, हम क्रॉस ओवर नहीं लगाते। ओके, पैसिव में क्रॉस ओवर लगाते हैं। इसके अंदर एक 4 चैनल लगा रहे हैं, अब बस एक 5 चैनल का DSP लगाते हैं। ठीक है, और 2 पेयर कॉम्बेंट लगा रहे हैं, 1 सबवूफर लगा रहे हैं, 1 मोनोएम्पलीफायर लगा रहे हैं। सब कुछ लगेगा ही। तो मैं आपको स्टार्टिंग कर लेते हैं हम अपनी स्पीकर से। हाँ, स्पीकर से कर लेते हैं। स्पीकर से स्टार्टिंग का भाई रिलैक्स रहने वाला। इसके अंदर भाई अपने 3-3 मॉडल आते हैं, एक एक्सप्रेस आता है, रिलैक्स आता है और एक मतलब लाइव आता है। हाँ जी, हाँ जी। सबसे ऊपर तो जो हमारे स्पीकर हमने फ्रंट और रियर लगाए हैं जी, वो हमारे रहते हैं बलैम ऑडियो 165 RX। ठीक है, तो ये आपका हमने 2 पेयर लगाए फ्रंट और रियर। ओके, ये 2-वे अपना कंपोनेंट है। हाँ, ये 2-वे कंपोनेंट है। मैं आपको इसकी कंपोनेंट भी दिखाता हूँ। ठीक है, पेपर कोन में रहने वाला है, पेपर कोन के स्पीकर है काफी है, मतलब कि जो स्पीकर है मतलब ये भी बहुत ही अच्छे हैं जी। और जिसके मैग्नेट है, मैग्नेट भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई, कंपनी के जो स्पीकर आते हैं उसकी मैग्नेट बहुत कम होती है, इनकी बहुत ज्यादा होती है जो आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट। जो इसके थिंबल्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, मतलब प्लस माइनस बना हुआ है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, थिंबल्स पे भी बना हुआ है। ओके, और जो इसका क्रॉसओवर है, मैं क्रॉसओवर भी दिखा देता हूँ, जो क्रॉसओवर का डिजाइन है इसका। जी जी जी, ये आपका बलैम ऑडियो लिखा हुआ है। क्या बात, जो क्रॉसओवर है इसके अंदर आपका ट्विटर का सेटिंग भी है जी। जैसे ट्विटर का सेटिंग है, आप -3 भी जा सकते हैं, 0 भी जा सकते हैं, +3 भी जा सकते हैं। आपको जो मतलब साउंड क्वालिटी अच्छी लगे उस हिसाब से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं भाई, आपको क्या चाहिए। ठीक है, इसमें स्विच लगा हुआ है एक तरह से। हाँ, 0 मीडियम में रखना, मीडियम भी कर सकते हैं, जिसको नॉर्मल है उसको 0 कर दो, जिसको माइनस जाना प्लस जाना ऑप्शन है। अच्छा, वो हम चेंज कर सकते हैं, जिसको मतलब ज्यादा ट्विटर पसंद है उसको प्लस कर लो, जिसको बहुत कम पसंद है उसको माइनस कर लो। सही, हम फ्रंट और रियर एक कंपोनेंट लगा रहे हैं बलैम ऑडियो के, जो आपको दिखा दिए। ठीक है, अब इसको हम करते हैं साइड। एक ट्विटर तो रहेगी। हाँ, ट्विटर रहेगी। हाँ, ये ट्विटर भी दिखा आप लोग, बहुत छोटा है, डिसेंट सा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पिद्दा सा ट्विटर है भाई। ट्विटर है, इसके साथ एंगल मोड भी आता है कि जैसे कोई लोग को पिलर पोर्ट नहीं बनाना है। जी 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 जी, जैसे किसी इसमें डोर में कटिंग नहीं करनी, किसी का आवाज अच्छी चाहिए और कि मतलब भैया क्वालिटी का आवाज चाहिए, तो इसमें एंगल मोड आप करवा सकते हैं। जैसे कि इसकी मैं दिखा रहा हूं आप लोग को, इसकी इसमें भी बहुत अच्छा लगता है वैसे एंगल जो मोड करा। मैंने बहुत गाड़ी में मतलब इसका आवाज अगर अच्छी चाहिए तो जैसे थार होगी अपनी, उसमें एंगल मोड करके लगता है। अब जैसे हमारा पिलर है जी जी जी, जैसे आप मोड कर दो मतलब फेसिंग काफी अच्छी आती है जी, ऐसा लगेगा मतलब कंपनी स्टॉक करके भी। हाँ हाँ हाँ, तो इसके साथ फिटिंग देते हैं, इसलिए हमें कस्टमाइज पिलर पोर्ट बनाने पड़ते हैं। सबको पता ही है भाई, अपने साथ ही है चंदू भैया फिटिंग करते कैसे हैं। ओके, रिपोर्ट लाजवाब। तो ये अभी मैं इसको साइड करता हूँ। हाँ, ये आपका हो गया स्पीकर फ्रंट और रियर, हम सेम लगा रहे हैं दोनों पे, लग रहे हैं अपने सेम टू सेम। आवाज आते हैं हम पहले 4 चैनल पे। ठीक है, 4 चैनल जो हमारा 4 चैनल, 4 चैनल काफी अच्छा लगा रहे हैं ऑडिशन की जी। तो जो हमारा SR4.500 रहने वाला है जी, जो इसकी RMS की बात करें पर चैनल, तो हमारा पर चैनल रहता है 4 ओम पे 130x4। ठीक है, जो 130x4 है मतलब काफी अच्छा, मतलब फुल मतलब पावरफुल एम्पलीफायर है। ठीक है, कि 130 RMS काफी होता है 4 ओम पे, कि हम अच्छे से अच्छे स्पीकर पे चला सकते हैं। ठीक है, एक ना इसकी MRP भी मेरे को बता दो, बंदे कहते हैं ऑडिशन की ना SR जो है उसकी MRP बता देना एक बार। एक बार मैं इसकी MRP बताता हूं आप लोगों को, MRP दिखाई देता हूं। हां, 54,990 रुपये, मतलब 55,000 का हो गया मोटा मोटा। हाँ जी, मोटा मोटी 55,000 का। ठीक है, इसकी MRP है। ओके, और ये आपका 4 चैनल हो गया, 4 चैनल दिखाई देता हूँ और गाड़ी में भी देख लेना। जी जी जी, वो तो अपना पूरी फिटिंग जो ऑडिशन की एम्पलीफायर की ना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, जो वायर की लगने की थिम्बल्स है वो काफी अच्छे हैं,
और जो इनके अंदर हाई इनपुट की तार दी है अगर उसके थ्रू भी सुनते तो काफ़ी अच्छी है। मेरे को ऑडिशन के एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा लगा, साइज जी भी जी भाई, कम्फर्ट है। इसकी फिटिंग मैंने सबसे आगे रखी हुई है, मतलब शॉर्ट बना के पूरा, जो एम्पलीफायर जिसमें पंजाबी गाना हमने इसके अंदर डाला हुआ है, आप एम्पलीफायर देख देख सकते हो सकते आप हो। उसको। भाई क्या बात है, शानदार भाई। ये अपने दो पेज यहाँ से खुलते हैं, आप यहाँ से पेज सेटिंग करा हाँ सकते हैं। सेटिंग कर सकते हैं, जी और इसमें हाई इनपुट की तार दी हुई है जी और लो आरसीले, अगर आरसीले के थ्रू चला सकते हो तो भाई, भी चला प्लग एंड सकते हो। प्ले है सारा भाई, ये देखो। और जो सोलर मतलब इसके देख सकते जी हैं, जी मतलब जो जी पावर केबल लगाने की माइनस सारा, प्लस जो मतलब होती है अपनी, काफ़ी मतलब हर चीज़ अच्छी दी हुई है इसमें, जी साफ सुथरा साफ सुथरा है। डिसेंट बिल्कुल काम। तो ये आपका हो गया फोर और इसके चैनल। साथ जो भाई ये तारे तूरे आती हैं वो उसके साथ ही आती हैं। हाँ इसके साथ मतलब ट्यूनिंग के लिए पेचकस भी दिया हुआ है, पेचकस भी दिया हुआ है, वो हाँ भी दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। जी ये सेटिंग करने के लिए पिन पेचकस भी दिया हुआ है, जी ये हैंडपुट के तार दिया हुआ है और ये रिमोट वायर दिया हुआ है, ठीक है। और भाई एलएनजी फ्यूज भी भी दी दिया हुआ है, हुआ है, हाँ एलएनजी भी दिया हुआ, मतलब कोई चीज़ के आपको कहीं एम्पलीफायर कोरियर भी करा दो, कहीं से मंगवाते भी हो जी तो फिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, जी मतलब प्रॉपर्टी के साथ टूल भी है। मतलब एक्स्ट्रा टूल कोई खरीदने की हाँ जरूरत नहीं है, वो अपने आप हमें टूल इसके एम्पलीफायर अंदर अगर दिया कोई हुआ है। लगाते हैं, हमें क्या होता है कि अलग से मतलब अपना टूल लेने पड़ता है, इसके अंदर सब साथ ही है जो एक हमें वारंटी चाहिए कार्ड रहेगा वो इसमें, साथ ही है। वारंटी कार्ड भी देख सकते हो जी आप, कैसे शानदार है। वारंटी कार्ड गाड़ी मिलता देखो है कितनी सुंदर लग रही है। ऑडिशन की। अब हमने आपको स्पीकर भी दिखा दिए, फोर चैनल दिखा दिए, अब दिखा रहे हैं पहले मोनो एम्पलीफायर। ठीक है, ये आपका ओके, मोनो एम्पलीफायर रहता है जो ठीक है, काफ़ी देख चुके होंगे आप, हाँ रेडलाइन से डीडी ऑडियो का जी 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 SF5500.1 508, ठीक है। जो इसकी साइज है आपको वारंटी कार्ड हर प्रोडक्ट के साथ हाँ जी ही सारे मिलेगा, वारंटी है। और 1 साल की वारंटी होती है, किसी में 2 साल की भी होती है। नहीं, 1 साल की, अच्छा 1 साल की, 1 साल की। ओके तो ये आपका मोनो एम्पलीफायर है जो ठीक हमारा है 500 RMS के रहने वाले, जी। मतलब काफ़ी मतलब इसकी पावर की बात करें 500 RMS से आप इसे 600-700 RMS के ऊपर चला सकते हो, क्या बात है, मेरे को लग रहा है ज्यादातर मतलब आप ये नहीं रेड लाइन ही ओवर हीट लगा अगर रहे हो, ट्रिप मार रहा है कुछ हो रहा है ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। हीट भी नहीं हो रहा, मैं इस पे 600 RMS के ऊपर चलाता हूँ, जो 600 से 800 जाता है, 612 ओके उसमें कोई दिक्कत नहीं आती इस एम्पलीफायर में, ओके ठीक है, कि मतलब आपको लगे जैसे गर्मी या हीट की वजह से ट्रिप मार रहा है, कोई बिल्कुल 1% की दिक्कत नहीं है। क्या बात है, तो ये आपका मोनो एम्पलीफायर रहता है और इसके साथ कंट्रोलर है, कि जैसे कई ओके को बेस नो, बेस नॉब, ओहो ये भी दिखा देता हूँ आप लोग को, ये बेस कंट्रोलर है, ये भी काफ़ी ठीक है अच्छी भाई, है। ये कंट्रोलर से क्या है कि आप गाड़ी में बैठते, कभी फैमिली बैठी हुई है, किस कोई पिछले सीट पर बैठे हुए जी हैं जिनको बेस नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, भाई जीरो जीरो ब्रांडिंग भी भी कर दी हुई सकते है, हैं। ये नहीं भाई लोकल है, डीडी ऑडियो की ब्रांडिंग है साथ में तो ये मतलब आप जीरो भी कर सकते हैं यहाँ से, जी, तो हम इसको रखते हैं साइड में, बाद में पैक कर लेना। हाँ। अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर हम लगाए हैं ऑडिशन का बिट ऑडिशन का टेन, बिट्टन, यस जो हमारा प्रोसेसर DSP प्रोसेसर है, जी ये हमारा 5 चैनल है जी और इससे हम फ्रंट रियर और सबवूफर चला रहे हैं। इसमें हम फ्रंट से हाई इनपुट दिए, रियर से हाई इनपुट दिए, और ये आपका सबवूफर खुद बनाता है, फ्रंट रियर सबवूफर खुद ही जी RC लीड आउट देगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि RC लीड आउट दे रहा है, हम इसमें एक्टिव नहीं कर रहे, तो हमें 5 चैनल ही चाहिए, जी 4 चैनल चाहिए स्पीकर के लिए और 1 चैनल चाहिए मोनो एम्पलीफायर के लिए। सही बात तो ये है, आपका हो गया 5 चैनल के DSP, ठीक है, जो आपने काफ़ी वीडियो में देखे होंगे। मतलब इसकी बात करें क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर ट्यूनिंग के अंदर मतलब CD भी आती है आपकी, उसके आप सेटिंग कर सकते हो, और इसके अंदर गेन है कि मतलब आप CD डाल के जी जो इसके टेस्ट ट्यून चला के आप उसके हिसाब से इसके गेन सेट कर सकते भाई, हो। जैसे फोटो में बना हुआ है वैसे ही अपना अंदर भी वैसी सेम है, हाँ ये बिल्कुल नहीं ऐसे ही फोटो में कुछ एक्स्ट्रा फीचर है और वैसे उसमें एक्स्ट्रा ये फीचर मैं है आपको नहीं, दिखाता हूँ। इसके साथ CD भी सीटी आती मिलती है है, भाई वो ट्यून सेट करने हाँ के जी हाँ लिए, जी CD जी आती है, आप मतलब जिसमें CD किसी का ऑडियो में CD लगने वाला तो CD डाल के आप ट्यूनिंग कर सकते ट्यूनिंग हो। कर सकते हैं और ये आपका DSP 5 चैनल का, ये जी। आप देख सकते हो, भाई बॉक्स इतना बड़ा है, मैं सोचा बहुत बड़ा होगा, ये तो बहुत छोटा सा है, ये 5 चैनल की है जो आपको मैंने बताया था, 1 2 3 4 फोर 5, फाइव से, हाँ ये फाइव हमारा तक है फ्रंट चैनल हो गया, ये जी, हमारा रियर चैनल हो गया और अपना ये सबवूफर हो सबवूफर, गया। ठीक है, ये रहता है आपका प्रोसेसर ठीक है, जो हमारा ऑडिशन बिट का है, टेन और इसके अंदर हम लगा रहे हैं भैया वायरिंग की बात करें, वायरिंग भी दिखाई देता हूँ। सबकी अलग मोनो अलग वायरिंग एम्पलीफायर है, के अंदर हम स्टिंगर को वेब से लगा रहे हैं 8 गेज, ठीक है, और जो हमारा इसका 4 चैनल रहता है, ये फोर चैनल टेन लगा रहे गेज हैं हम 10 गेज, जी, और जो हमारा स्पीकर वायर है ये भी वेब सी है, ओ एफ ये भी सी देख सकते हो आप लोग, जी, मतलब 1%। फ्लेक्स, हाँ जी ठीक है, 16 गेज, हाँ जी हाँ जी प्योर कॉपर भाई, प्योर कॉपर है, ठीक है, मतलब लाइफ टाइम की कभी दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ ये टाइम की प्योर वारंटी है। कॉपर का फायदा है या सीसी का फायदा है? प्योर कॉपर के फायदा है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी गाड़ी के अंदर अर्थिंग नहीं आती है, हमिंग नहीं आती है, जो आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है, जी जो अगर हम वोकल की क्लैरिटी की हाँ बात करें, हाँ मीडियस की बात करें, काफ़ी अच्छी आ जाती है। और CC में आपका 6 महीने 8 महीने कुछ ना कुछ दिक्कत लगे रहते हैं, कभी तार गल रही है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब परेशानी रहता ही है। ओके तो कई कई कस्टमर दूर दूर से आते हैं, पंजाब से आ रहे हैं, कोई नोएडा से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, तो जी उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि भैया एक छोटी छोटी काम कराने दो चक्कर मारो, इन वायरिंग में एक बारी करवाओ छुट्टी,
छुट्टी, मतलब हाँ आपको कल वन को टाइम हो गया, ऑन जितनी टाइम जब हो तक गया गाड़ी आपको तब तक तीन वो चार नहीं। साल 5 साल कभी दिक्कत नहीं आएगी जी कि भैया मेरे इस चीज़ की दिक्कत आ रही है। ठीक है तो ये आपने मैंने वायरिंग दिखा दी, सबसे पहले आप लोगों को तो वायरिंग की ही ध्यान रखना है और फिटिंग की ध्यान रखना है। सामान तो आप बेसिक लगा लो, जो मर्जी लगा लो, 5 हज़ार की, 10 हज़ार की, 50 हज़ार की, ओके आपकी मर्जी है, लेकिन वायरिंग की और फिटिंग की हमेशा कोई भी आप करवा तो ठीक ध्यान है। रखो। और जो इसके अंदर हम डैम्पिंग है, डैम्पिंग टू जो पॉइंट ये फाइव गाड़ी के जो हमारा गाड़ी है किया किया कैरेंस कैरेंस, इसकी जी ना डोर्स काफ़ी बड़े हैं और चद्दर काफ़ी हल्की है, ओके तो इसके अंदर मतलब कि अगर जो ज़्यादा करके अगर हम उंगल टक टक कर रहे हैं ना तो बहुत डेंट्स आ ज्यादा जाते हैं। अच्छा हाँ जी, काफ़ी हल्की है, इसके लिए हम डैम्पिंग किए हैं 2.5, कोई 2.5 mm की किया, कोई 2.2 है, कोई 2.1 है, कोई 2 mm की वन है, पॉइंट एट भी हाँ है, वन वन पॉइंट पॉइंट एट फाइव भी भी है, है। इसमें हम 2.5 कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी डैम्पिंग है, इसकी वेट भी काफ़ी अच्छी है, थिकनेस भी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है कि लाइफ टाइम वारंटी भी है, जी कोई दिक्कत आएगी कंपनी गारंटी है, विद बिल है, कहीं मैंने देखा है लीक हो जाती हाँ है लीक हो जाती है, इसकी लाइफ टाइम गारंटी है। जी, जितना मर्जी हॉट में हाँ ले जी हाँ लो। जी, ये कंपनी ठीक के, तो है भैया लीक होगा तो मेरे से डबल सीट ले जाओ, अगर एक ठीक सीट है, खराब हो तो 2 सीट दूंगा। क्या बात है भाई, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम देखो क्या जो बात इसके है, अल्मोनियम की सीट काफ़ी अच्छी, जो गुटाइल है इसके अंदर ये भी काफ़ी अच्छी है, बहुत मतलब मोटी है दोनों चीज़ भाई, अच्छी है, बहुत देखो ना और साइड से कितनी डैम्पिंग मोटी लगाने है में मतलब कि कुछ अलग ही फील आता, मज़ा आ जाता लगाने में। जी। और भाई सुंदर भी दिखते हैं, दरवाज़ा जब खुलता है ना डोर, और सुंदर भी जो दिखता है बहुत सामान सारा दिखा दिया आपको, बाकी जो सारा फिटिंग हमने गाड़ी में की है जी। वो चीज़ दिखाते हैं, और इसके अंदर मैं एक चीज़ रह गया आपको दिखाना, सब हाँ वूफर, वूफर रह जो गया सब वूफर है हमने बहुत दिन से आपको लोग डीवी ड्राइव को दिखाया नहीं, जी, 8 इंची, ये 8 इंच का सब वूफर रहता है क्या डीवी बात, ड्राइव का, ठीक जो आप है लोग देख सकते हैं, इसके मैग्नेट अभी तो ये अंदर हमने लगा चुके हैं, जी, मैग्नेट भी काफ़ी अच्छी है, डुअल कॉइल के बूफर है और 600 RMS है, 600 RMS, और इसके अंदर बात करें हम जैसे कि लो बेस गाने, हाई बेस गाने, दोनों ही अच्छे बजते हैं इसमें, ठीक है, मतलब 8 इंची में 600 RMS आ जाती है बिल्कुल आवाज़, जैसे 12 इंची में आती है। बिल्कुल आपको तसल्ली हो जाएगी एक बूफर में भी, जैसे अच्छा थार जी वगैरह हम किसी की लाउड चाहिए डबल डबल पेटी लगाते हैं, जी कई वीडियो में दिखा भी हाँ, रखे हैं, डबल डबल लेकिन पेटी, जिसकी भैया कम बेस चाहिए, अच्छी बेस चाहिए, तो सिंगल बूफर बहुत है। सिंगल बूफर हाँ बहुत जी, है, जगह ठीक भी है कम लेती है और जो आवाज़ की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ठीक स्पीकर के है साथ हमारा बिल्कुल मैच हो जाता है। भाई, बात होगी सारा आइटम जो हमने इस यहाँ पर दिखाया, और एक बात रहेगी हमारी गाड़ी के अंदर जो हमें फिटिंग करी है पूरी हाँ, तो प्रॉपर, गाड़ी के अंदर भी सारे वायर पे हीट सिंक स्लीप चराई है, जो वो एमडी यहाँ फायर बताने है, से नहीं होगा, वहाँ दिखाना पड़ेगा, नहीं नहीं चलो वहाँ पूरा दिखा, बोर्ड लगाया है एमडीएफ का हाँ बोर्ड, प्रॉपर, तो हमने गाड़ी भी उसके ऊपर हमारा हमने सारा एम्प लगाए इंस्टॉल हो हैं चुका है, मैं जी आपकी गाड़ी के अंदर सारा फिटिंग भी दिखा देता हूँ। जी एक ही शॉट में बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल चलते हैं सीधा चलते हैं गाड़ी गाड़ी की में, पास, गाड़ी की पास बोल दिया मैंने, गाड़ी के पास भाई, गाड़ी रहने वाली है किया कैरेंस रेड कलर की मेहरून, तो स्टार्टिंग कर लेते हैं हम फ्रंट फ्रंट डोर से, से, फ्रंट डोर से, ये हमारा डोर आप डैम्पिंग भी देख सकते हैं कि ओके मतलब प्रॉपर रोलर से करी गई है, कि कहीं से ये नहीं कि भैया पेस्टिंग छूट रहा है या ये हो रहा है, जी रोलर से प्रॉपर करी गई है, ये जी डैम्पिंग डबल डैम्पिंग करी है, ये ओके हमारा ठीक क्रॉस ओवर रहता है है और ये आपके स्पीकर रहते हैं और ये वाटर गार्ड है ओके जो हमारा पानी से काफ़ी वाटर प्रूफ हो जाता है जी जी स्पीकर, जी कि मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है, जी ये आपका डोर का हो गया। अब आते हैं हम सीट के नीचे, हमारा ये मोनो एमली फेयर रहता है ओके और ये हमारा जो ऑडिशन का DSP दिखाया था आपको, जी ये DSP अंदर रहता है, आप ओके, सबसे पहले वायरिंग चेकआउट कर लो, मतलब किस हिसाब से सारे वायरिंग आप चेक कर सकते क्या हैं, बात है भाई, मतलब किस साफ हिसाब से, सुथरी वायरिंग है भाई, कोई भी मतलब वायरिंग में दिक्कत नहीं आने वाली पानी की कोई भी, और मतलब जैसे तार एक्यूरेट जा रही है मतलब वहीं जा रही है, ये नहीं भाई अंदर से कहीं और से आ रही है कहीं और ही नहीं चली नहीं गई है बिल्कुल, मतलब कोई भी आप वीडियो देखे होंगे तो ये नहीं कि भैया कोई वायरिंग वहाँ से जा रही है वहाँ से जा रही है, जी। ये नहीं कि हम वीडियो बनाने के लिए से काम करते हैं, अब हर गाड़ी की वीडियो नहीं बना पाते हैं, जी जहाँ हम 50 गाड़ी फिटिंग अब करते हैं कोई वहाँ भी 5 गाड़ी नई का गाड़ी वीडियो बना आती है तो पाते हैं, फिर उसके हिसाब से वीडियो बनती है ना, हाँ हाँ अब पुरानी गाड़ी को फिर कोई देखता वही जी नहीं ना, हम ना बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो हम जी, समझ लो कि महीने में 5-10 वीडियो बनाते हैं, फिटिंग तो 1-2 रोज करते हाँ हैं, हाँ तो हमारे जो भी गाड़ी को काम करते हैं अपने तरीके से करते हैं, जी कभी ये नहीं कि वीडियो दिखाने के लिए हम अच्छे काम करें, अगर हम वीडियो नहीं भी बना रहे तब हम अच्छे काम करके देते हैं, और जो ओके आपका 4 चैनल का फिटिंग है वो लेफ्ट साइड सीट के नीचे है, उसके ओके नीचे भी दिखा देता हूँ आप लोग को, एक बार मैं अंदर से ही आ जाता हूँ सीधा, ये इसके अंदर मैंने प्रॉपर MDF बोर्ड लगाया 1.5 इंच का, यहाँ पे साइड और में देख हाँ सकते जी, हो आप और ये भी आपका सारे अंदर ग्राउंड वायरिंग है जो आगे जी आप देख सकते हैं, जी 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 ये नहीं कि कुछ अलग कुछ, आप नीचे भी देख सकते हैं टाई बेल्ट भाई प्रॉपर लगाई प्रॉपर हुई है, टाई बेल्ट कोई नीचे भी दिक्कत लगाई गई नहीं है, आप है नीचे भी दिखवा सकते हैं कि पूरा मतलब नीचे, वायरिंग हाँ कैसे करी है, प्रॉपर फिटिंग है भाई, हाँ मतलब ये नहीं कि भैया ऊपर सुंदर दिख रहे हैं जी नीचे ऐसे मतलब वायरिंग की दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ ड्रीम मोड ही आओ, साफ सुथरा काम कराओ, बोर्ड तो लगाओ आपको मैंने प्रॉपर फोर्थ तरीके से फोर चैनल भी दिखा दिया और जी ये भी दिखा दिया, रियर डोर भी देख लो आप भाई, लोग पूरी मेहनत है इनकी टीम की बिल्कुल बिल्कुल, जी ये रियर डोर आ गया आपका और टेप ओके, हटा दिया, टेप हटा देना ये भाई हमारा रियर का रहता है ओके और इसके अंदर क्रॉसओवर के अंदर जो सेटिंग बताया था वो स्विच दिख भाई, रहा है आपको, डोर में भी भाई पूरी अपनी टाई बेल्ट प्रॉपर तरीके से लगी हुई है और मज़ेदार,
मतलब जैसे अपना सीट के नीचे वर्क है और वैसे ही अपना डोर में भी वर्क है, बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं है भाई मतलब डोर में फेंक दो तारे, वो तो मतलब पैक ही एक होनी है। घंटा हम फालतू लेते, जहाँ हम चार गाड़ी करनी है वहाँ दो गाड़ी करनी है, लेकिन करनी तरीके से करनी है। जी 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 और डोर में एक बार बाहर चले, डोर में वो फिटिंग दिखा दो ना कैसे हमने फिटिंग करी है। हाँ डोर के दिखा देते हैं ट्यूटर की जो डैम्पिंग करी है और फिटिंग करी है, मतलब जो ट्यूटर भी मतलब ट्यूटर पीछे होल्ड करके लगाए, डिक्की तो बंद कर दिए, जो हमारा वूफर वायर है प्रॉपर स्लिप चढ़ी हुई, आप हर वीडियो में देखते होंगे कि हम कनेक्टर से फायदा है, वैसे स्लिप से बहुत फायदा है। और हम एक कनेक्टर भी लोकल नहीं लगाते, MX एक ब्रांड है, ओके ये नहीं कि भैया लोकल लगा दी, क्या बात है भाई, हैवी है बहुत, हैवी है इसके, आपको मतलब 1200 तक आराम से ऊपर चलाते, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ओके ओके कि मतलब खराब हो गया ये हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बूफर चढ़ा हुआ भाई आगे से पूरा पीछे तक स्लीव ही स्लीव चढ़ा हुआ, ठीक है। अच्छा स्पेस कम है इसके, 8 इंची बूफर लगा, हाँ हाँ स्पेस कम है इसलिए 8 इंची बूफर लगा रहे हैं, ओके। और अब आ जाते हैं हम रियर डोर पे, ये जो आपको डैम्पिंग दिखाता हूँ भाई पूरा प्रॉपर तरीके से डैम्पिंग किया हुआ है, मतलब कहीं पे भी नॉइस नहीं आने वाली। इसके अंदर हम 3 लेयर डैम्पिंग करी है, ओके। वैसे हम 2 लेयर करते हैं, हमने 3 लेयर की है, 2 लेयर डोर पे की है, 1 लेयर आपके प्लास्टिक पार्ट पे करी है, 3 लेयर करी है, इसको हम 3 लेयर करते हैं। कोई मतलब कोई वाइब्रेशन का पार्ट मतलब इसमें कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं। और जो टूटर है टूटर हम रियर डोर में प्रॉपर फ्लैश किए, जो आप देख सकते हैं प्रॉपर फ्लैश है हमारे पास, इसका टूटर होल करने के लिए कटर है, कि मतलब ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा कटिंग कर दी, ड्रिल मारो सीधा आर पार, बिल्कुल जैसा ट्यूटर है अपना वैसे ही। ये टूटर भी प्रॉपर हमने ग्लूगन लगाए पीछे से, जी कल को आप निकालना चाहो तो निकल भी जाएगी, मतलब ये नहीं कि पेच लगा दोगे तो भाई वो फिर अजीब सा हो जाता है। और या फेविकोल भी लगा देते हैं ना कहीं, हाँ इसमें हमने क्या इसलिए हमने क्या कहते हैं ग्लूगन लगाई, कल को हटाना भी चाहो आराम से हट जाती है, हट जाएगा पर निकलेगा नहीं, ये है पूरा नहीं बिल्कुल। और जो फ्रंट के टूटर है इसने हम स्टॉक लोकेशन पे लगाए, ओके जो हमारे स्टॉक जगह है, जाली नहीं काटी आपने जैसे ब्रीजा में काटी थी, प्योर नहीं इसमें नहीं काटी, अगर मेरे को स्टॉक लुक ही चाहिए फ्रंट में इसलिए हमने जाली नहीं काटी है, ओके तो ये स्टॉक में लगा दिए, ठीक है। और बाकी एक बार आप और फिटिंग, ठीक और हम अंदर के दिखाई दिए आपको मिली फायर की, अब हम चलते हैं बैटरी वायर पे, ओके तो बैटरी वायर भी दिखाते हैं आप लोग, बैटरी वायर गाड़ी बहुत गंदी हो रही है अंदर से, ये बैटरी वायर पे प्रॉपर स्लिप चढ़ा के, ये आप लोग देख सकते हैं स्लिप चढ़ा के, हमारा फ्यूज यहाँ बंधा हुआ टाइप बेल्ट से प्रॉपर, ओके। और जो वायरिंग गई हुई है रबर के अंदर से गई है, एक ने रबर को भैया निकाल के बाहर साइड से किए, मतलब रबर के ऊपर से वायरिंग नहीं डाली, मतलब उसके बीच से डाल दी, हाँ जी हाँ जी। कुछ होता है मतलब ऊपर से डाल दो कुछ होएगा, रबर ऊपर से डाल दो तो कई बार क्या होता है कि चूहे घुस जाते हैं, इंजन के हीट आ जाते हैं, काफी दिक्कत अच्छा, है अच्छा, जो गर्मी हाँ, आती है, हाँ जी हाँ जी, क्या एसी चल रहा है एसी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा वो चीज है ये, हाँ चलो भाई ठीक है, गाड़ी का आपने पूरा सेटअप देख ही लिया है, अब एक बात रहेगी अपनी सुनने की, हाँ सुनने क्या सेटअप लगाया है, अब जो सारा लैपटॉप से सेट होगा, हाँ सारे लैपटॉप से सेट, अच्छा वो ट्यूनिंग जो तो ट्यूनिंग करके फिर मैं आप लोग आउटपुट सुनाता हूँ जी कि क्या आवाज़ आ रही है, मतलब फिर कट मारना ही मारना फिर एक्स में, हाँ जी हाँ। चलो गाड़ी फिर पैक करो, फिर मिलते हैं सीधा ऑडियो पे, ठीक। सो गाइस हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है किया कैरेंस के अंदर, जैसे हमने बाहर आपको बताया था हमारा गाड़ी का पूरा सेटअप लग चुका है, और आखिरी में आपको मैं बताऊंगा सुनाऊंगा ऑडियो सेटअप। अब बात आ गई ऑडियो सेटअप की, तो चंदू भैया आप जो लैपटॉप लेकर बैठे हो इससे क्या होता है भैया, इससे सारे सेटिंग होती है कि जैसे आप कोई भी प्रोसेसर लगाते हो तो उसमें मैनुअल सेटिंग नहीं है, जैसे एमली फायर में होता है कि गेनिंग है, अब तो एमली फायर भी ऐसे आ गया सारा, कई एमली फायर फुल रेंज है उसके अंदर हाई फास्ट की स्विच ही नहीं है, जी जी तो उसके अंदर आपको DSP लगाना ही पड़ेगा, ओके। अभी मैंने ऑडिशन के लगाया था पीछे, जी 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 सेल्टोस में लगाया, उसका अभी वीडियो नहीं बनाया, ओके। तो फुल रेंज एमली फायर है, तो इसके अंदर हम लैपटॉप से क्या करते हैं जितने हमारे प्रोसेसर है उस पर डिस्प्ले, जैसे कि हम पहले पायनियर सोनी या कंपनी फ्रेड है जी। ये सारे डिस्प्ले आ रहे हैं सामने कि हम सेटिंग कर सकते हैं, इनमें क्या है कि जो हम उससे डाटा केबल लगा हम लैपटॉप में अपने कर देते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, इसमें हमारे सारे लैपटॉप जो हमारे क्या कहते हैं अपना बटन लगाया उसके सारे सेटिंग इसमें आ जाते हैं, ओके। अब यहाँ से हम अपने समझ लो कि टाइम अलाइनमेंट कर ले, सब ऊपर की फ्रीक्वेंसी सेट कर ले, काफी सेटिंग है, ओके कि मतलब आप यहाँ से कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू ही होगा। और ये वन टाइम है या फिर इसको जैसे हमारी बैटरी नहीं वन टाइम, अगर हम गाड़ी समझ लो कि 10 दिन अगर बैटरी उतार के साइड भी रख दिए जी तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वैसे का वैसे, हाँ जी जैसे मेमोरी सेव कर दिए वैसे मेमोरी रहेगी आपकी, ओके ओके। मतलब जितने भी मतलब पहले की जो DSP था उनमें दिक्कत थी, लेकिन अब में दिक्कत नहीं है, कहीं बैटरी चेंज करवा रहे हो कोई दिक्कत हो रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे बैटरी उतारो पूरा रीसेट। इसका जो सेटिंग, इनकी सेटिंग तो नॉर्मली होता है कि ज्यादा नहीं है, जो जैसे हमें इसको पैसिव सेटअप किया है इसमें तो फ्रीक्वेंसी से हमें कम खेलने पड़ते हैं, जब हम एक्टिव करते हैं उसमें ज्यादा हमें अच्छा, फ्रीक्वेंसी अपना मैप बनाऊंगा पूरा, हाँ जी हाँ जी। नीचे करने जैसे
पूरा फ्रिक्वेंसी जैसे करनी है वैसे, मीटर के हिसाब से होता है, कैसे होता है? मीटर के हिसाब से नहीं होता है वो, मैंने जो इंच टेप लेके आया था उसने हमने बूफर के टाइम एलिमेंट डाले, हमें बूफर के बेस, हमें बूफर के बेस यहाँ चाहिए था। ओके ठीक है, तो जब हम इसमें टाइम एलिमेंट दी हुए वो डाल देते हैं तो ऐसे लगता है भाई बूफर की बेस यहाँ से आ रही है। ओके बम बम बम, ऐसे लग रहा है कि पीछे सर दर्द कर रहे हैं, अगर कोई पीछे बैठ भी रहे तो उनको मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि भैया अलग से बम बम कर रहे हैं, उनको भी इसलिए सेंटर से बेस आ रही है। ओके तो फिर मतलब हाँ हाँ मतलब सारे हमने डोर्स भी बंद कर दिए, सारा आपको फिटिंग पहले दिखाई जी, दिया जी, था जी। और ऑडियो हमने सुन लिया, हम जो हमारे भैया गाड़ी वाले उनको भी सुना दिए, काफ़ी मज़ा आ गया। ओके जिस उम्मीद से हम मतलब आवाज़ के सोचे थे उससे भी बेटर आया, क्या बात है, मतलब आउटपुट के 1% गिनने जो मतलब कि दिल से मज़ा आ गया कि भाई आउटपुट मज़ा आ गया, आउटपुट मतलब में मज़ा आ सेटिंग गया। करने में भी हमें 15 से 20 मिनट में सेटिंग हो गया, जी नहीं तो कहीं में आवाज़ में दिक्कत आती हमें घंटे घंटे लग जाते सेटिंग बैठाने में, जी 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 लेकिन जी 15 से 20 मिनट में पूरा सेटिंग कर दिया मैंने, क्या बात है। एक बार ही मज़ा आ गया। चलो फिर एक बार स्टार्ट करते हैं ऑडियो। इस बार हाँ ऑडियो थोड़ा सा अलग है भाई, अब सारे अपना व्यूवर्स का वो था भैया एनसीएस में मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा भाई। एनसीएस में एक और मैशअप आ गया है बिल्कुल ठीक है, पंजाबी सॉन्ग, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो फिर भी कोई बात नहीं, दिक्कत तो नहीं रहेगी। अब जैसे भैया का इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है तो एक बार अपना अकाउंट का नाम बता दो और एक यूट्यूब का भी बता दो जो आपने अभी रिसेंट स्टार्ट किया अभी। अपना जो इंस्टाग्राम का ड्रीम ऑडियो 0207 ओके जो हमारा अब यूट्यूब के यूट्यूब चैनल है, का, ड्रीम ऑडियो 0107। अच्छा यूट्यूब में 01 हो गया और अपना इंस्टाग्राम पे 02 हो गया, हाँ जी हाँ जी बाकी 07 तो वो हाँ है ही। 0 लास्ट में। चलो ठीक है भाई, जैसे चंदू भैया का लास्ट में 007 और मेरा भाई 0007 है बिल्कुल ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं ऑडियो ठीक है भाई। कमेंट करके ये मत बोलना भैया ऑडियो कौन सा था ये, पर भेजना नाम ठीक है भाई, ये थोड़ा सीक्रेट रहता है अपना, तो नहीं ये बता ठीक है दिया तो फिर भाई ये तो सारी लगा लेंगे फिर बिल्कुल। ठीक है। एक बार करते हैं ऑडियो स्टार्ट, हो जा ਜੱਟ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੈਂਗਾਂ ਰਨ ਕਰ ਟਰੈਪਲ ਰੱਖਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਪੜ ਬੰਦੇ ਜਿਗਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਤਲਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਿੰਨ ਬੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਕਣ ਬੱਲੀ ਹੋਇਆ ਪੈਲ ਪੂਣਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਬੱਲੀ ਮਿੱਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਗਈ ਇਹ ਸਿਰ ਬੱਲੀ ਉਹ ਲੱਟ ਮੇਰਾ ਖੰਡਾ ਜਿੱਤਰੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਡੱਟ ਸੁਣੀਏ ਜਦੋਂ ਜੀਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਫੋਨ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਬੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਰ ਪੱਟਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਮਿਸਕੇ ਪੈਰ ਸਿਰ ਪੰਜੇ ਬਕੇਰੇ ਭੁੱਕਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਪੇ ਲੋਕ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜੱਟ ਜਾਵੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇੜ ਮਕਈ ਜੱਟ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਬੇਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾ ਕੇ ਬਾਂ ਬਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਲੜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਬੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੂਫਰ ਹਮਾਰਾ ਇਸੇ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜਾ ਕੇ ਜਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅੰਦਰ ਸੇ ਬੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਬੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਜਿਸੇ ਹਮਨੇ ਟਾਈਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਡਾਲੇ ਹੈ ਬੂਫਰ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਕ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੂਫਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀਆ। ਤੋ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਭਈਆ ਹੈ ਹਾਂ उनसे भी आपको रिव्यू रिव्यू दिलाते चलो हैं। ठीक है भैया, नहीं देंगे रिव्यू तो भाई एक बार छोटा सा बजट बता दो कितने रुपए का लग गया। नहीं बजट एंड में बताएंगे, दरबारी टोटल अभी किए नहीं है, थोड़ा तो लमसम बता ही देते। लमसम कुछ नहीं बताएंगे, एंड में बताएंगे, अंदर ही बताएंगे। करता वही कम जो तो मैटर दासी। चलो भाई ठीक है, फिर चलते हैं अंदर, एक बार भैया से भी जान लेते हैं रिव्यू उनका कैसा लगा गाड़ी का काम। नहीं ठीक है, मेरे को तो हो गया सेटिस्फाइड काम पूरा प्रॉपर वाला। नहीं नहीं भैया को मैंने पहले सुना दिया, भैया सेटिस्फाई है। अच्छा बाकी आपको मैं उसको रिव्यू भी दिलाता हूं। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं सीधा कहां पे? अंदर। अंदर कस्टमर के पास? हां जी कस्टमर के पास। चलो ठीक है। हेलो भैया। हेलो भैया, आपका नाम? मेरा नाम निखिल। कहां से आए हो? मैं दिल्ली से ही आया हूं, लॉरेंस रोड से। ओ क्या बात है, आप इनको मिले कैसे हो? मैं मिला चंदू भैया पहले जहां पर पहले जॉब करते थे। अच्छा, तो वहां का किसी ने रेफरेंस दिया था। ओके, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे जाओ, वहाँ से ऑडियो लगाओ। तो मैं वहाँ पर गया ऑडियो के लिए, बट फिर रेफरेंस जहाँ मेरी पहली गाड़ी जिससे मैंने ऑडियो कराया था, तो उन्होंने इनका नाम दिया था कि वो, तो
तो मैंने पूछा वहाँ पे चंदू भैया, वो कह रहे यार वो तो नहीं है, उनका अपना है। ओके तो फिर इनको ढूंढते ढांढते आए यहाँ पर, क्योंकि मैंने इनके YouTube पे काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह भी देखे थे। ओके तो मैं तब आया, मैं बहुत टाइम से पिछले एक साल से मैं उनको चेस कर रहा हूँ, हमेशा ऑडियो का मैं लेके जाता हूँ उनसे कितने का होगा क्या होगा। जी जी ठीक है, बट फाइनली अब जाके मैंने लगाया है उसको सिस्टम, बट मज़ा आ गया। ओवरऑल एक्सपीरियंस बता दो कैसा लगा काम? काम बहुत बढ़िया है, इनकी जो काम में फिनिशिंग है ना जी, जो YouTube पे हम देखते हैं ना बिल्कुल वैसी ही है। सेम टू सेम, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भैया ये कर दो वो कर दो, बोलने से पहले ही वो काम फिनिश हो जाता है वैसा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। इनकी टीम कैसी है? इनकी टीम बहुत बढ़िया है। कहना सुनती है? है हाँ बिल्कुल। मजेदार? मजेदार। क्या बात है, आप सुबह से आए हो, कुछ खिलाया पिलाया? अरे यार बर्गर खिलाया चंदू भाई ने। वो तो अभी खिलाया ना सुबह दोपहर में। चलो ठीक है, एक छोटी सी रेटिंग बता दो, 5 में से कितनी देना चाहोगे? आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5। पक्का? बिल्कुल। क्या बात है, मतलब मजा ही आ गया फिर बिल्कुल, है कोई दिक्कत नहीं आई ना परेशानी आई। ठीक है, मतलब जो भैया हमारे पास पहले आए थे इन्होंने अपना टेस्ट बता दिया कि मुझे मतलब कि क्वालिटी का साउंड चाहिए, काफ़ी ब्रांड मेरे पास भी है, तो जो इनके जिस हिसाब से मैंने टेस्ट देखा उस हिसाब से मैंने सारा सामान सेलेक्ट कर दिया, और जिस हिसाब से भैया को बताया उस हिसाब से एक बार इनको खुशी मिली है कि आवाज़ अच्छी आ गई। ओके अच्छा, आप पहले मतलब डिसाइड करके आए थे यही लगाना है? मैं कहता हूँ पिछले 1-1.5 साल से गाड़ी ली थी, गाड़ी की डाउन पेमेंट ज़्यादा हो गई थी, तो बस उस समय भैया भी आए, इन्होंने कहते कि आपको जो मर्जी कुछ चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो नहीं, मैंने जो सेलेक्ट पहले किए थे वही मतलब भैया काफ़ी अच्छे, मैंने वही चीज़ लगाया लेकिन साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ गई, मुझे मज़ा आ गया भैया को मज़ा आ गया। क्या हुआ था भाई, मतलब सेटिस्फाइड वाला काम है बिल्कुल। बाकी कभी थोड़े बहुत 19-20 होता है तो आते जाते रहते हैं भैया ने चेक। ठीक है, कर दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं आई ऑडियो सेटअप में? कोई 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 दिक्कत नहीं। बूफर कैसा लगा जो हमने छोटा सा लगाया 8 इंची वाला? अरे भाई वो तो जबरदस्त है, गजब है वो, गजब गजब। मैं डीडी ऑडियो मैंने फाइनल किया था पहले, मैं भैया ने डीबी लगाया, मेरे को इसी में भैया ने कहा कि मैं चेंज करे तो मैंने कहा नहीं यार इसी की आवाज़ अच्छी है तो चेंज क्यों करना, जगह की जगह होगी, बूफर का बूफर लग गया, मजा गया मजा। बिल्कुल, क्या बात है। एक बार चंदू भैया आपके पास आ जाते हैं, अपना छोटा सा लोकेशन बता दो। चलो लोकेशन बताओ पहले, फिर एक सवाल और पूछेंगे बाद में। लोकेशन भैया रमेश नगर है। ओके, दुकान मेन रोड के ही है, जो हमारा ओपोजिट है बिल्कुल आपका, पिलर नंबर 343 के सामने, ड्रीम ऑडियो। ओके, मेन रोड पे मेरे साथ में पोलो टायर भी है, कई बार की नहीं दिखे तो पोलो टायर के भरोसा बोर्ड है यार, दिखेगा ड्रीम ऑडियो ऊपर बोर्ड लगा हुआ ब्लैक कलर का, ड्रीम ऑडियो का बोर्ड है, पोलो टायर, लाइट भी जलती है ऊपर, मतलब आप टायर अलाइनमेंट भी करवा सकते हो, सिस्टम लगा सकते हो। अरे क्या बात है, क्या बात है भैया, आपके पास दोबारा आ जाता हूँ। वो लास्ट वाला रह गई थी एक बात, आपने इसके अंदर जो मनी एक्सपेंड करा है वर्थ है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। ये बस लमसम बता दो कितना लगा दिया? अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास लग गया। 1-1.5 लाख तक लग गया, वर्थ है पूरा? पूरा वर्थ। कहीं ये तो नहीं लगा पैसा ज्यादा ले लिया काम कम कर दिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। देख लो होता ना कभी पैसा ज्यादा, प्राइस मेरे हिसाब से भैया ने जो लिख के दिया था, मैं पिछले आई थिंक 10 दिन पहले आया था, भैया ने अपना प्राइस लिख के दे दिया था, मैंने अपना प्राइस लिख के दे दिया था। अच्छा, उसके हिसाब से ये उससे भी ऊपर ही है जो मैंने, ये तो मैंने प्राइस दिया है भैया को। अच्छा, पर ये ऊपर ही है, दे देंगे थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो फिर। एक साल से जान भी दे रहे हो मेरा भैया का, 2-3 बारी हमने दिमाग खाया पूरा। और ऐसा नहीं कि क्या होता है ना कि कस्टमर आता है और डीलर या कोई भी दुकानदार होता है ना वो इरिटेट हो जाता है, भैया 2 बारी आ गया है बेको ये लेगा नहीं, पर कभी ऐसा नहीं, हमेशा आया हूँ, हमेशा भैया दिखाया, हमेशा पर्चे बने हैं, पर काम कभी नहीं हुआ, मतलब पिछले मतलब 8-9 महीने के अंदर। अगस्त में आया था लास्ट, गाड़ी आई मेरी नवंबर में, ओके लास्ट 2022 में, और अब जाके मैंने फाइनली लगाया। क्या बात है, एक बार फिर दोबारा आपके पास आते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो अगर किसी को ऐसा काम करवाना है तो। 9211122007। एक बार रिपीट कर दो, 9211122007। कर दें फिर एंडिंग? बिल्कुल, दिल में बात आ रही हो तो शेयर कर दो। नहीं नहीं बिल्कुल, एकदम जबरदस्त, मजा आ गया। रिकमेंड करोगे? अरे बिल्कुल, तुम कम से कम, मैं भैया से बोला आज लगाते लगाते कम से कम 3-4 लोगों के वीडियो आ रहे थे मेरे पास वीडियो कॉल, जी जी जी, और कम से कम 4-5 कस्टमर तो मैं ही दूंगा भैया। चलो ठीक है, कर देते हैं फिर एंडिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके, टिल देन बाय, चंगा जी।